हेलो स्टूडेंट, आई एम होजेवा सर हियर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर 12th स्टैंडर्ड सेशन। हियर चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आ चैप्टरना अंदर पार्टनरशिप ना रिलेटेड सम्स आवशे। एमां शॉर्ट सम्स दे आर वेरी इम्पोर्टंट फॉर द बोर्ड एक्जामिनेशन। ओके, तो आना अंदर इलस्ट्रेशन 1 एना अंदर शूँ लखेलू छे, हिरल विड्रॉ रूपीज 500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड इफ 10% एनम पर एनम, डेट मीन्स के एन्युअल इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स। तमे 11th स्टैंडर्ड में स्टडीज करू छे ने, एना अंदर पार्टनर कई भी ड्रॉइंग करे, ड्रॉइंग डेट मीन्स के दे आर विड्रॉ गुड्स और असेट फॉर द पर्सनल यूज। तो पार्टनर अगर कई भी चीज बिजनेस में से लई जाए फॉर द पर्सनल यूज तो एने कहवाय ड्रॉइंग। अने वेन एवर देर इज अ ड्रॉइंग सो पार्टनर हेज़ टू गिव अन इंटरेस्ट, पार्टनर ने इंटरेस्ट आपव पड़े, एवं डीडना अंदर पहला से डिसाइड हुई है। ओके, तो आना अंदर पार्टनर ने इंटरेस्ट आपव है, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट आपव है? 10%। अने के रीते आपव है? तो गाइज आ लाइन बहु इम्पोर्टंट है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीना स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीना पहली तारीखे। ओके, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कही तो केम करवानू के अहीं मैं एक्सप्लेन करूँ। ओके, तो यू हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू 500, बराबर है गाइस? 500 विड्रॉ करे छे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, नाउ हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी चार्ज? 10%। सो यू हैव टू चार्ज 10% इंटरेस्ट हियर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कही ने, तो शू करवानू 78/12 लेवानू। सौथी इम्पोर्टंट चीज शू है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, इतने अपने 78/12 लीधे। अगर आनी जगह पर एम होते कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो अपने लेते 66/12। ओके, जो हम आज सामने में यहाँ करूँ छू। ओके, बट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके, इन अंदर जो मैं सेम फॉर्म्यूला मुकू छू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू हाउ मच? 500 इंटू 10% इंटू 66/12। तो सौथी इम्पोर्टंट चीज एम शू है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कही तो 78/12 लेवानू, अने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कही तो शू लेवानू? 66/12। अने नाउ तमे एने कैलक्युलेटर पर 500 इंटू 10% दबावशो ने, एना पछी इंटू 78/12 करशो तो एनो आंसर आवी जशे 325 रूपीज। ओके गाइस, अने आना अंदर 500 इंटू 10% करशो ने अने 66/12 करशो ने तो एनो आंसर आवशे 275 रूपीज। ओके, दैट्स क्लियर के आमा 325 आमा 275। नाउ हवे एक सवाल आयो, तमारा दिमाग में एक सवाल चालतो हशे कि सर आ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 78 केम लीधु, अने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है जो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो 66 केम लीधु। तो चलो हवे अपने इने एक्सप्लेन करिए कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एनो मीनिंग शू थयो कि हर महीना नी पहली तारीख। एनो मीनिंग एम कि तमे अगर एनु काउंट करशो टोटल ऑफ द मंथ, एनु टोटल ऑफ द मंथ काउंट करशो तो हर महीना नी पहली तारीख मतलब 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। હવે આનું તમે ટોટલ કરશો, તમે હર મહિનાની પહેલી તારીખ મતલબ હર મહિનાના અંદર તમે ફર્સ્ટ ડેટે લેશો તો પૂરા 12 મંથ્સ થશે, અને આનું તમે કેલ્સીના ઉપર ટોટલ મારશો તો આન્સર શું આવશે? 78। અને એવી જ રીતે એટ ધ એન્ડ ઓફ એવરી મંથ કીધું, બરાબર છે? એટ ધ એન્ડ ઓફ એવરી મંથ, ઓકે, તો એના અંદર શું થયું? એટ ધ એન્ડ ઓફ એવરી મંથ મતલબ કે હર મહિનાની છેલ્લી તારીખ। તો અગર માની લો કે જાન્યુઆરીની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ કાઉન્ટ કરવું છે તો જાન્યુઆરીની લાસ્ટ ડેટ, ડેટ મીન્સ કે ફેબ્રુઆરીની ફર્સ્ટ ડેટ। હવે જાન્યુઆરીની લાસ્ટ ડેટ કહો તો ફેબ્રુઆરીની ફર્સ્ટ ડેટ જ થઈ। ઓકે, તો જાન્યુઆરીના પૈસા આપણે કેવારે મળશે? ફેબ્રુઆરીમાં। ફેબ્રુઆરીના પૈસા આપણે કેવારે મળશે? માર્ચમાં। માર્ચના પૈસા કેવારે મળશે? એપ્રિલમાં। એપ્રિલના મેમાં, મેમાં જૂનમાં, જૂનના પૈસા જુલાઈમાં, પછી ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, એમ કરશો તો તમે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો લાસ્ટ મંથ એના અંદર બાકી રહેશે, કેમ કે નવેમ્બરના પૈસા મળશે ડિસેમ્બરમાં। એટલે તમે અગર એને કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 તો એનું તમે ટોટલ કરશો તો કેટલા થયા? 66।
તો હવે તમને ક્લિયર થયું કે એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ એવરી મંથ કે તો કેવી રીતે થશે 78 અને એટ ધ એન્ડ ઓફ એવરી મંથ કે તો શું કરીશું આપણે 66 તો તમને આ નથી કરવાનું આ ખાલી તમને સમજાવવા વાસ્તે હતું તમને ડાયરેક્ટ જ ખાલી શું મૂકવાનું છે 78/12 બટ કિવારે જ્યારે બિગિનિંગ ઓફ એવરી મંથ હોય અને અહીંયા બાજુ તમને એટ ધ એન્ડ ઓફ એવરી મંથ કે તો શું મૂકવાનું 66/12 ઓકે દેટ્સ ક્લિયર ઓકે